रेडी? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Hyundai की बेस्ट सेलिंग कार है i10। इसको शोरूम से खरीद कर घर लाने में आपको टोटल 7,90,000 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा। इस 7,90,000 में से 3,10,000 यानी 39% ऑफ द टोटल कार कॉस्ट आपने सरकार को टैक्स में देना पड़ेगा। व्हाट? कैसे? आई मीन एक नॉर्मल कार, एक छोटी सी कार की कॉस्ट में लगभग 40% तो टैक्स है। अभी तो मैंने इंडिया की मोस्ट फेवरेट फैमिली एसयूवी के बारे में बात ही नहीं की है, Hyundai Creta। Creta revolutionized everything. They changed the segment, they changed how the features in the car can be. They changed the engine options, diesel, turbo, normal petrol. आपको सीएनजी डालना है बाद में वो डाल लो, ऑटोमेटिक चाहिए वो दे देंगे, मैनुअल चाहिए वो दे देंगे, एडास चाहिए ले लो, आपकी गाड़ी को बाहर से खड़े होकर ऑन करना है ले लो। Creta became that, took that center stage. Hyundai Creta के प्राइस में 54% तो सिर्फ टैक्स है, यानी गाड़ी का जो दाम है उसमें आधे से ज्यादा टैक्स भरा हुआ है। अब Hyundai Creta और Hyundai i10 के टैक्सेस में इतना फर्क क्यों है? और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गवर्नमेंट की नजरों में Hyundai Creta एक्चुअली SUV नहीं है। इसे मैं आगे बात करेंगे, क्योंकि अगर Hyundai Creta SUV होती तो गाड़ी का 60% प्राइस सिर्फ टैक्सेस में जाता। अब आप देखिए, बाजार से कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो उस पर आपको GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होता है। अभी फिलहाल GST के 4 स्लैब्स बने हुए हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 5% उन सामान पे लगता है जो आम इंसान की जरूरत माना जाता है, जैसे कि चाय, रिफाइंड ऑयल, LPG सिलेंडर्स। और 28% GST उन सामानों में लगता है जैसे कि AC, फ्रिज, जिन आइटम्स को सरकार एक लग्जरी मानती है। तो इसी बात पे हम जानते हैं कार्स पे क्या लगता है। कार्स पे लगता है 28% GST, जो GST का हाईएस्ट स्लैब रेट है। कोई बात नहीं, मैंने तो शुरू में आपको बोला था कि कार में 50% तक का टैक्स चला जाता है, वो क्या चीज थी? तो देखिए हुआ क्या, ये सुनिए। GST इंडिया में 1 जुलाई 2017 को आया। We are in the process of making history with the launch of the goods and services tax. At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax. The GST may be a destination tax, but for India, it will begin altogether a new journey. उससे पहले इंडिया में कई सारे टैक्सेस होते थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी, VAT जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स और बहुत तरीके अलग अलग टैक्स होते थे। GST आने के बाद प्लान ये था कि इन सारे टैक्सेस को सिर्फ एक GST से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पर इसमें सरकार के लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पहले जब इतने सारे टैक्सेस होते थे तब मान लीजिए एक 12 लाख रुपए की कार है, उस पर टोटल टैक्स आता था उसका 42%। अब जब सेम कार पर आप 28% टैक्स लगाएंगे तो सरकार का तो बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। इसलिए सरकार ने 28% GST तो लगा दिया, पर उसके साथ एक सेस भी लगा दिया। तो जो भी घाटा सरकार को GST लाने से हुआ, उसने उसे सेस के नाम पे एक सरचार्ज लगाकर पूरा कर लिया। अब सेस भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। सरकार ने बोला, हमारी रोड्स देखिए बहुत कंजेस्टेड है, बहुत भीड़ है हमारी रोड्स पे, इसलिए हम लंबी गाड़ियों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे और छोटी गाड़ियों पे कम टैक्स लगाएंगे। यहां पर सरकार 4 मीटर्स का रूल लेके आई कि अगर गाड़ी 4 मीटर से कम होगी तो हम सेस 1% तक लगा सकते हैं, और अगर 4 मीटर से ज्यादा होगी तो ये सेस 22% तक जा सकता है। तो 22% सेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब GST लगेगा 28%, सेस लगेगा 22%, तो टोटल टैक्स कितना हो गया आपका उस कार पे, हो गया 50%। तो शोरूम में जो आपको गाड़ी का प्राइस बताया जाता है उसमें ये दोनों टैक्स इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे कि Hyundai i10, Hyundai i20, टाटा नेक्सन, Hyundai Venue, ये सब 4 मीटर से बस थोड़ी ही छोटी हैं। ये इनको जानबूझ के ऐसा इनके साथ किया गया है। इनफैक्ट Hyundai और किया ने तो इसे स्ट्रेटेजिकली भी यूज किया है। तो Hyundai की जो मोस्ट फेमस कार है वो है Hyundai Creta, और किया की जो मोस्ट फेमस कार है वो है किया सेल्टोस। दोनों की जो लेंथ है वो लगभग 4.3 मीटर है, यानी 4 मीटर के ऊपर है। इसके बाद Hyundai ने अपनी Hyundai Venue निकाली जिसके फीचर्स लगभग Creta जैसे ही है, बस लेंथ है 3,995 मीटर्स। किया ने भी सेम काम किया, किया ने किया सोनेट निकाली जिसके फीचर्स लगभग किया सेल्टोस जैसे सेम ही है, बस लेंथ है 3,995 मीटर्स। इससे इनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, कस्टमर्स के लिए उन्हें सेम फीचर्स थोड़े कम प्राइस पे मिल जाते हैं, जबकि Hyundai और किया का जो मार्जिन है वो सेम रहता है।
बस टैक्स पे खेला जा रहा है। तो देखिए, हर पेट्रोल और डीजल कार पे जो जीएसटी लगता है वो 28% होता है। इसके ऊपर जो सेस लगता है उसके एग्जैक्ट सेस के रेट्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं। इसमें जो हाईएस्ट सेस लगता है वो 22% का है, जो एसयूवीज पर लगता है। पर ये देखिए, एसयूवीज किन्हें कहते हैं? सरकार के हिसाब से एसयूवी के तीन मेन क्राइटेरिया हैं। उसका इंजन 1.5 लीटर के ऊपर होना चाहिए, उसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, और उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाली इंडिया की मोस्ट डिजायर्ड एसयूवी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो बेस मॉडल है उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है 33,40,000, यानी इतना पैसा आपको शोरूम को देना होगा, जिसमें से 9.4 लाख जीएसटी है और 7.4 लाख एडिशनल सेस लगा हुआ है। बट इसी फॉर्च्यूनर को शोरूम से अपने घर में लाने के लिए आपको एक टैक्स और देना होगा, और उसका नाम है रोड टैक्स। और ये जो रोड टैक्स है ये हर स्टेट के हिसाब से होता है। कर्नाटका में इस फॉर्च्यूनर के एक्स शोरूम प्राइस पर 20% रोड टैक्स लगेगा, जो होता है 6,70,000। तो टोटल ये फॉर्च्यूनर का बेस मॉडल आपको एक्चुअली पड़ेगा 40 लाख रुपीज, जिसमें जीएसटी, सेस और रोड टैक्स मिला के आप सरकार को दे दोगे कुल मिला के 23,50,000 रुपीज, यानी 59% ऑफ द कार्स कॉस्ट डायरेक्टली जाएगी सरकार की जेब में। सरकार बोलती है कि वो इस रोड टैक्स से स्टेट के अंदर की रोड्स को मेंटेन करती है। बस होपफुली इस बार पानी ना बरस जाए। यहां पर ना एक बात नोटिस करना, जीएसटी एंड सेस एक्स शोरूम प्राइस पर होते हैं। तो जीएसटी है 28% और मान लीजिए सेस है 22%, तो टोटल 50% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस टैक्स होगा। ठीक है, चलिए मान लिया इस बात को। पर रोड टैक्स जो लगता है वो एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर लगेगा। मतलब अगर रोड टैक्स 20% है तो जो आपके कार का जीएसटी अमाउंट है और जो सेस अमाउंट है उनके ऊपर 20% लगेगा। इन्वेस्टमेंट तो कंपाउंड होते सुना था, पर यहां तो टैक्स कंपाउंड हो रहा है। एक टैक्स लग के जो बढ़ा हुआ अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। ये एक प्रॉब्लम तो है। आपको लग रहा होगा कि अगर सारे टैक्सेस यहां खत्म हो गए हैं तो शायद आप थोड़े गलत हो। कई बार कार के बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होते हैं, तो कार कंपनीज को वो पार्ट्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो उन पार्ट्स पे कार कंपनीज को इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, और ये सब तो जीएसटी, सेस और रोड टैक्स, जिन सब की मैंने बात करी ऊपर, उससे पहले देनी होती है। और इंडिया में अगर आप कोई बहुत सुपर लग्जरी गाड़ी खरीदनी है तो वो लग्जरी गाड़ी इंडिया में बनती नहीं, वो लग्जरी गाड़ी इंडिया के बाहर से सीधा इंपोर्ट होती है, तो उस पे सरकार सीधा 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। इसीलिए इंडिया में लग्जरी कार्स बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं कंपेयर टू अमेरिका एंड यूरोप। अच्छा, अब लग्जरी कार्स की बात कर ली, वापस से ह्यूंडई क्रेटा पर आते हैं। क्रेटा इंडिया की वन ऑफ द टॉप सेलिंग एसयूवीज में से है। टू रीकैप, क्रेटा का एक्स शोरूम कॉस्ट 13,40,000 रुपीज है, जिसमें जीएसटी एंड सेस इंक्लूडेड है। इसके ऊपर रोड टैक्स लगता है 2.6 लाख का, जिसकी वजह से टोटल टैक्स आ जाता है 8,60,000, और कार की टोटल कॉस्ट आती है 16 लाख, जो आपको ऑन रोड पड़ेगी। इस 16 लाख में से 54% सरकार की जेब में जा रहा है। अब एक मजेदार बात सुनो, अब इस कार को खरीदने के लिए आपको कमाना कितना पड़ेगा, अब ये सोचो, ध्यान से सुनो। क्रेटा पे 16 लाख रुपीस खर्च करने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा? अब अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो क्रेटा पे 16 लाख खर्च करने के लिए आपको 22,80,000 रुपीस कमाने पड़ेंगे। जब आप 22,80,000 रुपीस कमाओगे तब उसमें से सरकार 30% ले जाएगी और आपके जेब में 16 लाख रुपीस बचेगा, जिससे आप क्रेटा खरीद लोगे। तो एक क्रेटा जैसी गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी, क्रेटा जैसी गाड़ी को खरीदने के लिए आपने सरकार को 6,80,000 इनकम टैक्स में दे दिए, उसके ऊपर 8,60,000 कार के ऊपर जितने टैक्सेस थे उसके फॉर्म में दे दिया। तो आपने एक सिंपल सी क्रेटा खरीदी और सरकार ने आपसे 15,40,000 रुपीस कमा लिए, यानी जितने की कार थी उतना तो आपने टैक्स दे दिया। और अगर आपने लोन से ये कार खरीदी है फिर तो ये कार आपको और महंगी पड़ी। उस लोन पे आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो, सोच के देखो आप किसको दे रहे हो, आप कार मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो या वह लोन आप सरकार को टैक्स देने के लिए दे रहे हो।
आपको क्या लगता है टैक्सेस का झमेला खत्म हो गया? कार का मेंटेनेंस, कार का इंश्योरेंस, इन सब चीजों पे आपको 18% जीएसटी देना होगा। सबसे बड़ी चीज, कार चलती किससे है? कार चलती है पेट्रोल से। पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है जानते हो? जो एक लीटर पेट्रोल आपको अराउंड 100 रुपीज़ का मिलता है, उसमें से 60 रुपीज़ सरकार को जाता है, पेट्रोल कंपनी के पास 40 रुपीज़ जाता है। बट ये स्टोरी हम किसी और दिन सुनेंगे। और थोड़ा और सोचिए, अगर शायद टैक्सेस कम होते तो इंडियंस और सेफर कार्स अफोर्ड कर पाते। इंडिया में जितनी भी 10-15 लाख के अराउंड की कारें हैं, वो एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेफ कार्स नहीं है। बट अगेन, इन सब चीज़ों पे वीडियो कभी बाद में बनेगा। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल स्टोरी सुनने का मन है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।